आपको जो है मतलब और आपको सबको जो इंडिया के अंदर रहते उनको एक रात तो ध्यान होगी, वो है 19 दिसंबर की रात दोस्तों, जिस दिन इंडिया जो है एक बड़ा मैच हार गया था 220-50 ओवर्स के अंदर फाइनल दोस्तों, और ऑस्ट्रेलिया जीत गई। पर उससे अगर हम लोग इतना छोटा, मेरे लिए और जो है बीसीसीआई के लिए तो छोटा ही मैच था ये होता हूँ, क्योंकि दोस्तों जो इंडिया एक इतना बड़ा मैच जीत चुका है जो कि कोई नहीं जीत पाता, वो है पैसों का दोस्तों। ये प्रॉफिट जो हुआ बीसीसीआई को ये T20 मैच से ओवर 66,000 करोड़ दोस्तों, ये इतना ज्यादा प्रॉफिट हुआ इंडिया को इस T20 में। और दोस्तों है हम सबको लगता है कि ICC दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट बोर्ड वो की हेड है, पर दोस्तों ये रियल हेड तो कोई और वो है BCCI, क्योंकि दोस्तों ICC का जो 80% प्रॉफिट, बहुत सारे क्रिकेट बोर्ड जो है पर 80% प्रॉफिट जो है वो अकेले BCCI लाता है, अकेले BCCI, ठीक है दोस्तों, और कोई नहीं, बाकी सारी किधर गई पता नहीं, ठीक है। तो दोस्तों ये है कि आप समझ गए, और अभी जानते हैं कि BCCI पहले इतना पुअर क्यों था और अभी कैसे रिच। तो दोस्तों ये दो चीजें जाननी पड़ेगी पुअर में कि इंडिया की पावर कितनी कम थी उसका एक एग्जांपल दूंगा, और इंडिया के पास पैसे कितने कम थे, BCCI के पास कितने कम थे पैसे वो जानेंगे, ठीक है। तो दोस्तों पैसे कितने कम थे वो मैं आपको बताता हूँ कि जब इंडिया 1983 का वर्ल्ड कप जीता था, जब जो दोस्तों इंडिया की टीम वापस आई इंडिया, और दोस्तों जो एज अ गिफ्ट पैसे देने के पैसे ही नहीं थे BCCI के पास, वो तो लता मंगेशकर जी ने एक शो करा जिसमें से पैसे मिले दोस्तों। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना पैसे कम थे इंडिया के BCCI के पास, ठीक है। और पावर का बोला तो दोस्तों है इंडिया के यूनियन मिनिस्टर कोई विधायक हुए ना, यूनियन मिनिस्टर इंडिया गए थे लंडन इसी विजिट से, और जो है उधर चल रहा था मैच इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज 1983 फाइनल्स वर्ल्ड, तो जो है यूनियन मिनिस्टर ने सोचा उनका काम हो गया तो मैं और मेरी पत्नी के साथ में चले जाता हूँ मैं देखने, और वैसे भी ग्राउंड खाली था क्योंकि लंदन के ग्राउंड था, पर लंदन की जो टीम थी वही फाइनल में नहीं पहुंची, इस वजह से जो है लंदन के लोग ही नहीं थे और जो है दूसरे लोग आ सकते, पर जो है यूनियन मिनिस्टर की वाइफ ने कॉल करा BCCI के प्रेसिडेंट को, BCCI के प्रेसिडेंट को बोला हमारे लिए दो टिकट दे दो, वैसे भी ग्राउंड तो खाली, ठीक है। तो BCCI के प्रेसिडेंट ने कॉल करा इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, तो उसको जो है कॉल करा बोला हमें दो टिकट चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने ना अगर इससे आप समझ सकते हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास पावर ही नहीं थी, तो अभी चलिए जानते रिच कैसे बना। तो मतलब कुछ ऐसी चीजें थी जो कि पहले BCCI को नहीं मालूम थी, उसके बाद जो है जो नई चीफ है उनको जो है मालूम चली। तो दूसरी पहली चीज थी कि जो मतलब वॉचिंग राइट्स, जो कि मतलब मैच चल रहा है और जो है BCCI के कंट्रोल में रहता है किसको जो, इसमें जो है पहले हमें नहीं पता था, तो जो पहले की एक ही चैनल रहता था दूरदर्शन, पहले का बहुत ज्यादा फेमस था दूरदर्शन, ठीक है। तो दूरदर्शन बहुत ज्यादा फेमस था तो उनको ही देते थे 5 लाख ले लो और हमारा मैच दिखा दो प्लीज, और पीछे से आएगा कुछ पैसे नहीं बन रहा था। और दोस्तों जो है फिर उसके बाद जो नए चीफ आए उनको समझ आया कि ये जो राइट्स है वो तो मतलब हमारे BCCI के, क्योंकि हम मैच कर पा रहे हमारे राइट्स, तो दोस्तों इन्होंने कोर्ट पे केस कर दिया दूरदर्शन, और जो है ये BCCI जो एक कोर्ट केस जीत गया, ठीक है। और इनके पास था भी तो इनके और दूसरी सीख थी कि इनके और साउथ अफ्रीका के बीच में था, तो ये लोग क्या करते थे डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स ये पैसे देते थे कि आप हमारा करो। फिर इसके जो साउथ अफ्रीका के साथ मैच था, जब साउथ अफ्रीका की एजेंसी ने बोला आपको कितने पैसे चाहिए है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन राइट देने के लिए, तो उनके समझ नहीं आई हम लोग पैसे देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन राइट देते हैं और हम लोग माफी और हम लोग बोलते कि हमारे लिए प्लीज घूमने पर चढ़ते हैं, हम लोग बोलते बहुत ज्यादा प्लीजिंग करते, पर इधर तो प्लीजिंग करने की जरूरत ही नहीं, वो लोग पूछ रहे खुद, तो उनका जो समझ में कि हमारे अंदर कितनी
ज्यादा पावर है। तो दोस्तों अभी चली जाते हैं इनकम सोर्स। तो दोस्तों जो है बीसीसीआई की नंबर वन इनकम सोर्स जो है सबको पता है कमेंट बॉक्स में वो है इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल। दोस्तों आईपीएल से दोस्तों जो है मतलब इतनी ज्यादा पैसों में जो है लोगों को लेते हैं और जो उनके पास इतने अलग अलग जगहों से जो आते हैं जैसे कि आपकी टीम स्पॉन्सरिंग होगी जो इधर कैप है जो स्पॉन्सर रहते हैं आपके जो एड्स रहते हैं। मैं आपको बता दो जब आईपीएल में एड्स चलते हैं ना 10 सेकंड का टाइमिंग पता है कितना 10 सेकंड की प्राइस कितनी होती है 10 सेकंड आईपीएल के अंदर 19 लाख 10 सेकंड का एड दिखा। और अगर फाइनल हो आईपीएल तो जो है वो बढ़कर हो जाती है 25 और अगर इंडिया पाकिस्तान 30 लाख 10 सेकंड का 30 लाख। दोस्तों इस साल समझ सकते हैं बीसीसीआई ने कैसे जो इनकम सोर्स जो है बढ़ाई। और दोस्तों जो अलग अलग किट्स रहती है टी शर्ट्स रहते हैं जो बाहर जो बाउंड्री पे लगे रहते हैं ना नाम और जो जो पूरा ग्राउंड के अंदर अलग अलग पोस्टर्स रहते हैं नाम्स रहते हैं अलग अलग कंपनी तो जो उससे भी उनको जो है स्पॉन्सरिंग मिलती है। और दोस्तों जो बीसीसीआई के लिए जो सबसे बड़ा वेपन जो है इनकम सोर्स वह हम लोग जब तक देखते रहेंगे क्रिकेट जब तक जो एड्स चलते रहेंगे जब तक जो है हम लोग एडवर्टाइजमेंट को देखते रहेंगे और उससे जो है बीसीसीआई को पैसा मिलता है। तो आप लोग जो क्रिकेट फैंस हो वो देखते रहो क्रिकेट मैच जिससे बीसीसीआई को भी फायदा मिलता है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा बताना कमेंट बॉक्स में एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय वीडियो। तो दोस्तों ये था एक मैच हमारे सबसे ज्यादा फेवरेट स्पोर्ट्स के हेड का इंडिया के अंदर बीसीसीआई। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो।